ओके भाई लोग, तो अभी एक ट्रेलर आया हुआ है, मैं रिएक्शन कर रहा हूँ सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव नाम से। मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं है, बट हम पावर फैंटेसी मूवीज़ के फ़ैन हैं एंड हमें सुपर हीरोज पसंद है, तो देखते हैं। पैरोडी टाइप कुछ है, आई आई डोंट नो, देखते हैं क्या होगा। तो 3 2 1 चालू। फ्रेम रेट ही अलग। यो, वैसे क्रिटिकली अक्लेम्ड। तुम तो अपनी दुनिया में घूम रहे थे, ये सब ना बस फिल्मों में होता है। लोग काम छोड़ के खुशी ढूंढते, असल जिंदगी में घर चलाना पड़ता, नान नियारी का इंतजाम करना पड़ता। अरे शोक पाल के क्या करेगा मालेगा ओ में तू मरेगा, शोक पाल के क्या करेगा मालेगा ओ में तू मरेगा। बहुत खतरनाक आइडिया है मेरे पास। इधर ही पिक्चर बनाते ना, कुछ गुंडा हो गया क्या? अबे तू लूम में मजदूर है, मेरी खजूर की दुकान, फटे हाल रिसाले का दिल जला अदीब फरोख। अदीब नहीं, अजीब। जन्म से बेरोजगार तू, पिक्चर बनाएंगे। कोशिश तो करते हैं यार। क्या ना क्या, मालेगांव में बहुत मचमच बहुत रोना धोना है यार। अबे जिंदगी में थोड़ी कॉमेडी थोड़ा हंसना जरूरी है ना। लड़के वालों की लाइन लगा रखी है अब उन्हें। टेंशन मत ले, ठीक है ना? ठीक है। हो सकता भाई? ये ऑडिशन है? हाँ ना। मालेगांव में ना खाली सेक ही चीज की कमी नहीं है, इंसानों की। इसलिए इधर बना रहा ना मैं, इधर के लोगों के लिए, इधर के लोगों के साथ। प्रोड्यूसर का टाइटल चाहिए। बेशक। अरे मालेगांव पर जानना किसको है? क्योंकि उनके लिए हमारे जैसे लोग बेमानी हैं। ना जुबान आती, ना दुनिया का कायदा आता, बस लोगों का फायदा उठाना आता तुझे। तेरे को लगता है तू बहुत बड़ा ओरिजिनल आर्टिस्ट है ना? हाँ हूँ मैं। पीछे नहीं हटने को, सिर्फ तो तेरी पिक्चर बना तो समझाना। दोबारा मिलेंगे कभी? अभी कुछ ही मिनट भी तो करना चाहिए। वो देख जादू का पंछी, एक दिन उड़ूंगा इसमें मैं। भाई यार काफी इंस्पायरिंग मूवी लग रही है यार, बहुत बहुत इंस्पायरिंग। ये लोग अपनी मूवी बना रहे हैं अपने ही रिसोर्सेस के अंदर बैठ के। हाँ भाई, तो वाह, अच्छा लग रहा है। और विजुअली मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने एक अलग प्रोपोर्शन में, मतलब आईमैक्स प्रोपोर्शन में, ऑलमोस्ट आईमैक्स प्रोपोर्शन में इसे शूट किया हुआ है। एंड ये सिनेमाटोग्राफी वाइज भी ना एक 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 क्रीमी फील है इसकी, एक एक ख्वाब, एक ड्रीम जैसा। नहीं कि जब आप भोर में उठते हो तो एक नहीं हल्की सी सूरज की रोशनी पड़ती है और एक अलग ही वार्म फीलिंग आती है, तो ऐसी वार्म फीलिंग आ रही थी इसमें से। मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? मैं फरवरी में आ रही है तो मैं इसे ज़रूर से देखूँगा, लेकिन तुम बताना।